देखिए, शहीद रामानुज जी के प्रथम पुण्य तिथि पर हम पहुंचे थे, तो वहां पर आप ही स्टेटमेंट लिए थे पालीगंज विधानसभा के विधायक जी से और रामकृपाल बाबू से। उन्होंने ये जवाब दिया था कि सरकार का कोई ऐसा योजना नहीं है कि गेट नहीं बनेगा। वापस लेटर आ गया है। जब हमसे आपने स्टेटमेंट लेना शुरू किया तो हमने यही चीज कहा था कि पूरे देश में शहीद जो हुआ है लोग, उनका कौन सा योजना से गेट बना है? अगर योजना इनका कोई नहीं है तो सुनील यादव के पर्सनल योजना है, 1,01,000 रुपया हम द्वार बनाने में सहयोग करेंगे। और उस दिन घोषणा भी किए थे कि जो भी हमारा साथी आम जनता, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, रामानुज यादव के गेट बनाने में सभी कोई आकर के आगे सहयोग करें। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं मनीष जी, ये भी आकर के 50,000 रुपया के सहयोग दिए हैं, हमको बहुत खुशी हुआ। इसलिए मैं आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी अगर शहीद रामानुज जी के द्वार बनाने में सहयोग करना चाहते हैं, वो उनका परिवार से आके संपर्क करें। आज शिलान्यास हो गया है इनका द्वार के काम में, जो है वो आज से स्टार्ट हो गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि शहीद रामानुज जी के नाम को अमर करने के लिए पालीगंज के विधायक, पालीगंज के बेटा को लाल, जो रामानुज जी जो शहीद हुए, वो पूरा एक प्रयोग गांव के नहीं, पूरा पालीगंज विधानसभा पटना जिला के शान की बात है, गर्व की बात है कि हमारे इस धरती के बेटा देश के लिए शहीद हुए हैं। इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जरूरत है। चलिए, हिस्सा की बात करें तो जिस प्रकार से सांसद, जो पाटलिपुत्रा के सांसद, मैं उनसे भी एक विचार व्यक्त किए थे, उन्होंने बताया कि जो भी होगा इनके परिवार अगर करना चाहते हैं तो करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर सरकारी कागजात हमें रिटर्न दे दिया जा रहा है तो अगर चाहते तो एक महीने के जो सैलरी होता है उनसे भी बन सकता है। बिल्कुल, मैंने यही कहना चाह रहा था कि जब वो शहीद जवान के नहीं हो सकते हैं तो आम जनता के क्या हो सकते हैं, चाहे पालीगंज के विधायक हो या रामकृपाल जी हो, सांसद जी हो। मेरा अभी भी उनसे आग्रह है दोनों से कि अपना एक एक महीना का सैलरी यहाँ पर तत्काल तुरंत से तुरंत यहाँ सहयोग करें गेट बनाने में। मेरा उनसे, आपके चैनल से माध्यम से उनको से मांग करते हैं कि एक एक महीना के आकर के सैलरी इनको गेट बनाने में सहयोग करें। क्योंकि सबसे पहली बात तो बोला जाता है जब विधायक संदीप सौरभ जी का कि गरीबों का मसीहा है। अब जब गरीबों का कॉल ही नहीं उठाते, ये क्षेत्रीय विधायक भी नहीं है, तो कैसे वो कहते हैं कि हम मदद किस प्रकार से करें, क्या सरकारी कागजात कैंसिल हो जाता है? देखिए, हमारा पालीगंज के भोला भाला जनता फंस गया है, इसे आपने पहले सुना होगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत, फिर भी लोग फंस जाता है, कबूतर लोग, पक्षी लोग, उसी तरह हमारा जनता फंस गया है। बहुत तत्काल चंगुल से निकलने का काम करेगा पालीगंज की जनता, बस यही मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, ये पुनः मैं मांग करूंगा कि उनको वेतन एक महीना का फूल आराम कृपाल जी को यहाँ पहुंचाना चाहिए शहीद द्वार के बनाने में। हमने घोषणा उस दिन किया था जब हमने 1,01,000 रुपया के लिए अपना निजी फंड से घोषणा किया था, तो ये भी मैं बोला था कि जो भी अगर सहयोग करना चाहते हैं वो आ करके सहयोग करें। तो हमारे बाद लगता है कि मनीष जी जो विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, बहुत अच्छा लगा, ये भी इन्होंने भी आकर के 51,000 रुपया का सहयोग दिया है। मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि शहीद द्वार बनाने में आपने सहयोग दिया, बहुत 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 खुशी हुआ हमको। तो मनीष जी, आपने आज 51,000 रुपये का जो आपने योगदान दे रहे हैं, तो क्या राम मनोज जी के शहीद द्वार के लिए जो मंत्री और जो विधायक होते हैं वो बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? देखिए, चीज़ है क्या कि अगर सामाजिक मदद करने की जज्बा हो तो फंड हो या ना हो काम हो ही जाता है। इसलिए हम आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं, इस काम में जन जन को सहयोग करना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग के लिए पुण्य का काम है। सभी सामाजिक काम के लिए इसमें मिलजुल काम करना चाहिए ताकि हमारा काम और तेजी से आगे बढ़े। तो जो भी, जैसे सांसद या विधायक जी जो भी हैं, वो कई वैसे उनके बात आए हैं या वैसे कई वैसे हमारे क्षेत्र के वैसे शहीद जो साथी थे उनके लिए वो ऐसा कोई काम नहीं किए, उनके लिए नहीं द्वार बनाया गया, और आज आपके और सुनील जी के जो लोजपा में अभी शामिल हुए हैं उनके द्वारा आज शिलान्यास के बाद यहाँ पे कार्य जारी हुआ, उसमें आप भी योगदान दिए, तो सर कैसा लग रहा है जो अपने के क्षेत्र में शहीद द्वार जो बन रहे हैं? हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको
कि हमको एक सामाजिक काम में मदद करने का मौका मिला हमको, इसलिए हम श्री यादव जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, इसलिए इनको फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। सर आज जिस प्रकार से सुनील यादव जी ने हो या मनीष जी हो, जिस प्रकार से योगदान राशि दे करके शहीद राम मनु जी का जो शहीद द्वार है उसका शिलान्यास हो भी गया और उस पर काम तत्पर जारी है, तो सर आप उनके परिजन हैं, उनके परिवार हैं, सर कैसा लग रहा है? सबसे तो पहले मैं यहाँ जितने भी उपस्थित जन समूह हैं मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच लोजपा नेता श्री सुनील बाबू आए, इन्होंने काम की शुरुआत की, इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा परिवार उनके लिए आभार व्यक्त करता है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जुआ नेता और पालीगंज विधानसभा के प्रभारी मनीष जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने, चूँकि हम भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अभी वहाँ मीटिंग से दिल्ली से जो है मैं 31 तारीख को ही लौटा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में केवल राजनीति की बात होती है, विकास की बात नहीं होती है। यहाँ भी एक छोटे से द्वार बनाने के लिए भी राजनीति होने लगी। तो मैंने बोला था सुनील बाबू के सामने ही कि लोग घोषणा करते हैं, केवल घोषणा से जीवन नहीं चलती है, काम करना चाहिए। हमको बहुत खुशी हुई कि सुनील बाबू ने अपने फंड से इस काम की शुरुआत करवाया। शायद नहीं शुरुआत करते तो यही होता है कि पहले आप इसमें ट्रेन निकल जाती है। इन्होंने किया, इनके लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग इनके लिए दुआ करें कि आगे कि ये नेता बने, सुनील यादव जिंदाबाद, ये नेता बने, हमारे बीच रहें, सामाजिक जो कार्य हैं वो करें। हार जीत तो लगी रहती है और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे समाज से हर घर से एक नेता निकले जो सामाजिक काम में आगे आए। आज प्रवेश द्वार की बात है, शहीद रामानुज यादव की बात है, आगे चल करके शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है। हम संदीप जी से भी बहुत घनिष्ठता है, मेरी मित्रता है, इसलिए कि पढ़े लिखे आदमी है और उन्होंने भी शुरुआत की थी कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे, हम उसकी भी शिक्षा संवाद करवा कर घोषणा किया। अब जो वजह है वो आगे नहीं बढ़ सके तो हम उनके साथ रहते हैं जो विकास की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं। हम डपोर शंखों के साथ नहीं रहते हैं, हमारा सही सही सोच यही है। अगर सुनील बाबू काम कर रहे हैं समाज के लिए, हम इनके साथ हैं। मनीष बाबू काम कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। आप काम करते हैं, आपके साथ हैं। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं और इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग बंधुआ मजदूर नहीं बने। उनको लगे कि जो नेता, जो समाज का आदमी हमारे लिए काम करता है उसके लिए वो भी जीना सीखे। जैसे को तैसा का हिसाब रखना पड़ेगा, नहीं तो आप सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और आप गर्त में चले जाएंगे। इसलिए हम लोग केवल एक कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए नहीं है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, यानी हर तरफ से हम लोग पिछड़े हुए हैं। और इसमें सुनील बाबू, मनीष बाबू, आप हैं, जितने भी लोग हैं, सबका सहयोग रहेगा तो हमारा क्षेत्र का बेहतर विकास होगा। और इन्हीं आशाओं के साथ हम चाहते हैं कि हम राजनीति तो नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति में अगर लगता है कि राजनीति करने से हमको विकास होगा हमारे देश का, हमारे गाँव का, घर का, तो राजनीति करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। अभी वैसे कितने वैसे नेता या प्रतिनिधि से शहीद राम मनु जी के द्वार के लिए वैसे योगदान राशि आई है सर? मेरा मानना है कि जितने लोगों ने कहा है जी, कहने में कहीं कमी है, हम सही तरीके से अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम किसी को दोष नहीं देते हैं कि राम कृपाल जी ने फंड नहीं दिया या संदीप जी ने नहीं दिया। हमको कहने नहीं आ रहा है, वो तो देंगे ही, वो देते ही हैं, वो भी सामाजिक काम करते हैं, सब करते हैं। और हमको लगता है कि बहुत जल्दी ये प्रवेश द्वार बनेगी, इसके सहयोग में सारे लोग देंगे सहयोग। ये इसके लिए शुरुआत किए सुनील बाबू, ये बड़ाई के पात्र हैं। और देखिए कि अंत में शिलान्यास कौन करते हैं, अभी तो भूमि पूजन हुआ है और अभी शिलान्यास तक बाकी है। हम चाहेंगे कि आगे चलकर यहाँ चबूतरा बन जाए, यात्री शेड बन जाए, लोग आए तो यहाँ ठहरे, पानी पीने के लिए चापा कल लग जाए। अभी तो बहुत काम बाकी है, इसलिए इसको अंत नहीं मानेंगे, इसको शुरुआत ही है और आगे बढ़ना चाहिए।